हेलो, आज मैं आपको पत्ता गोभी कैसे लगाते हैं बताऊंगी और हम पत्ता गोभी की हार्वेस्टिंग भी करेंगे। पत्ता गोभी के बीज बहुत ही छोटे छोटे होते हैं, इस कारण पत्ता गोभी की नर्सरी तैयार की जाती है। हमने पत्ता गोभी की नर्सरी अक्टूबर के महीने में लगाई थी। इस समय आप 40 दिन की पोजीशन देख सकते हैं, पौधे ट्रांसफ़र करने के लिए तैयार हैं। और आप देख सकते हैं कितनी अच्छी पौध तैयार हुई है। जब हम नर्सरी तैयार करते हैं उस समय हम काफ़ी गोबर की खाद और कंपोस्ट खाद डालते हैं, जिसके कारण मिट्टी बहुत नरम होती है और पौध आसानी से निकल जाती है। आप देख सकते हैं। क्यारी में हमने पौधे से पौधे की दूरी 12 सेंटीमीटर और लाइन से लाइन की दूरी भी करीब करीब 12 सेंटीमीटर ही रखी है। ये मेरे एक महीने की आप पोजीशन देख सकते हैं। इस समय हमने इसमें गुड़ाई कर दी है और जंगली जो पौधे हैं करीब करीब निकाल दिए हैं। पत्ता गोभी को 15 या 20 दिन में आप पानी अवश्य लगाते रहें। पत्ता गोभी में काफ़ी कीड़ा लगता है, इस कारण अगर आप इसको सही समय पर लगाएंगे तो आपको अच्छी पत्ता गोभी प्राप्त होगी। अब आप 2 महीने की पोजीशन देख सकते हैं, करीब करीब पत्ता गोभी के सारे फूल बनने स्टार्ट हो गए हैं। आप देख सकते हैं दिखने में कितने सुंदर लग रहे हैं। पत्ता गोभी एक पौष्टिक वेजिटेबल है, इसमें काफ़ी मात्रा में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, आयरन, सोडियम और कैल्शियम होता है, तो इसको आप अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करें। अब मैं आपको 3 महीने की पोजीशन दिखाती हूँ। फूल बड़े बड़े होने स्टार्ट हो गए हैं। पत्ता गोभी वेजिटेबल के रूप में तो आप खाते ही हैं, परंतु आप इसको सलाद के रूप में भी यूज़ कर सकते हैं। चाइनीज जो फूड होता है उसमें पत्ता गोभी का काफ़ी प्रयोग होता है। अब मिड मार्च में हम चक्कू की सहायता से पत्ता गोभी को इस प्रकार काटेंगे। आप मेरी पत्ता गोभी की हार्वेस्टिंग देख सकते हैं। गार्डनिंग का वर्क फिजिकली काफ़ी हार्ड होता है, इस कारण मेरा जो हाउसकीपर है मेरी काफ़ी हेल्प करता है, इसलिए हम फ्रेश और ऑर्गेनिक सब्जी खा पाते हैं। कुछ फूल इसमें बड़े हैं और कुछ फूल छोटे हैं, तो जैसी आपको आवश्यकता है उसी हिसाब से आप काट लें। अब आप देख सकते हैं कुछ फूल बच गए हैं, ये 15-20 दिन बाद दोबारा हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो जाएंगे। उसके बाद आप पत्ता गोभी के जो ऊपर के पत्ते हैं उसको हम इस प्रकार साफ कर लेंगे और फिर इसको मैं पत्ता गोभी को आपको वॉश करके दिखाती हूँ। आप देखो कितनी फ्रेश है और एकदम ऑर्गेनिक है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो और इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, बाय।